अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, पुष्पराज। फिल्म के मुख्य अभिनेता वास्तव में लकड़ी माफिया का काम करते थे। चंदन की लकड़ी की तस्करी पर पूरी फिल्म आधारित है। बहरहाल स्थानीय सिमडेगा जिला के अंतर्गत बानो प्रखंड के जंगलों में जब आप घूमेंगे तो आपको पुष्पराज जरूर याद आएगा। कहीं आधे कटे हुए वृक्ष, कहीं पेड़ों को काट कर बनाया गया बोटा, तो कहीं कटे हुए पेड़ के जड़ नजर आएंगे। पूरा जंगल उजाड़ सा नजर आएगा। ऐसा लगेगा मानो जंगल के पेड़ पौधे के बीच से आवाज आ रही है, त्राही माम आखिर कौन है इन जंगलों का पुष्पराज जो लगातार पेड़ों की कटाई कर रहा है। कहीं बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का तो हाथ नहीं है, आखिर क्यों कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। और भी अनेकों सवाल मन में रह जाते हैं। अगर समय रहते यह नहीं रुका तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है बानो प्रखंड से पेड़ पौधे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।